मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंडल में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवेदन किए गए छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर चयनित कर उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस योजना का शुभारंभ बसंत पंचमी के पावन पर्व पर 16 फरवरी 2021 को होगा। मंडलायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील एवं परिश्रमी छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण, सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने मंडल के छात्र छात्राओं से अपील किया कि योजना में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेंस एवं नीट की परीक्षाएं, एनडीए, सीडीएस, अन्य सैन्य सेवाएं, अर्धसैनिक केंद्रीय पुलिस बल की भर्ती संबंधित बैंकिंग पीओ, एसएससी, बीएड, टीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं सहित संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार आदि की तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कार्यरत आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा, पीसीएस, पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों के द्वारा रोस्टर बनाकर छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि जनपद के जुबली लाइब्रेरी, नगर निगम की लाइब्रेरी, सेवा योजन कार्यालय तथा समाज कल्याण विभाग के आईएसपीसीएस सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए किताबें, स्टडी मटेरियल आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ लाइब्रेरियों को और किताबें उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जा रहा है। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सौगरवाल, एसपी सिटी सोनम कुमार, डीएफओ अविनाश कुमार, उप निदेशक समाज कल्याण, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर खास और डीएम साहब भी है और बाकी तीनों जिलों से भी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगा आपकी आवाज इको हो रही है, दो जगह से लॉग इन किया है क्या? आवाज़ हो जाना चाहिए। हम छोटे स्तर पर भी शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें प्रभावी रूप से करना चाहिए। जो भी करें प्रॉब्लम जो वॉल से जब है उनको हम पुश कर दें और क्रॉस ओवर कर जाए, बस ये हमारी मंशा हो। तो सर अब ये है कि 16 तारीख को लॉन्च करने के टाइम में लगभग 200 बच्चों के हिसाब से तो प्लानिंग हो गई है। हम कह रहे हैं उसको अच्छे बच्चों को जीत देखा जाए, तो ब्रॉड कंट्रोल्स ये होने चाहिए कि हम लोग 16 को लॉन्च करें, जो भी हमारे पास जो भी सर्विसेज के हमें एक्सपर्ट मिल जाते हैं उस दिन आपको जनरल डिस्कशन करना होगा। और उसके बाद हमारी रूपरेखा होनी चाहिए कि नेक्स्ट 15 दिन में जो है हम ऑनलाइन और आवेदन लेके बाकी तीनों जिलों के लेके और उनकी किसी यदि बहुत ज़्यादा आता है तो उनका टेस्ट करके किसी तरह स्क्रीनिंग कर, और उस 15 दिन में शासन से बात करके समाज कल्याण विभाग के भी नोडल है पोस्ट कंटेंट की बात जो चल रही है वो हो जाए। क्योंकि उस दिन सारे कमिश्नर ने ये कहा था कि ये यूनिफॉर्म पूरे यूपी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ा रहे कोई कुछ और पढ़ा रहे। और एक बार पोस्ट कंटेंट हो गया, आपने बच्चों से स्क्रीन कर लिया, उसके बाद आप यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल जाएगा वो जिलाधिकारी महोदय से और हम लोग यूनिवर्सिटी से हैं डीयू से। नहीं एक्चुअली ये हमारा चल रहा है, थोड़ा किया जाए बताएं जी। कॉलेजेस है और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी है, कहीं से पहले योजना चल रहा है, समाज कल्याण विभाग का योजना में पहले से आईएएस से कोचिंग चालू है चल रहा है। एक तो ये हो गया सर, एक तरफ फैकल्टी का यानी नॉलेज का रिसोर्स, दूसरा रिसोर्स हो गया सर हमारा मटेरियल रिसोर्स में सर हमें तो एक जगह चाहिए सर, जगह के हिसाब से सर यदि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का एनएम का सेक्टर तो वेल एंड फाइन, नहीं तो कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन है सर उनको रिक्वेस्ट करके एक स्टडी सर्कल बना सकते हैं, कम से कम उनका लाइब्रेरी जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी के किसी यूज पे ला सकते हैं। इंफ्रा का सर एक बार स्क्रीनिंग हो जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिसोर्स का मैपिंग हो जाएगा सर।
कोऑर्डिनेशन में खासतौर पर हम लोग का सर एक यूनिक प्लेटफॉर्म देना है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो इन सिलेक्शन ऑफ बच्चे, और बच्चे के स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल के हिसाब से कैटेगरीज कैसे कर रहे हैं, और बच्चे के एस्पिरेशन क्या है, उसके मैचिंग में हम कैसे रिसोर्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट काम है सर, वो हमें करना होगा। डिग्री में एंटर किए होंगे, भविष्य में 3-4 साल के बाद वो एग्जाम देने की स्थिति पर रहेंगे, 21 साल पूरा होने के बाद एग्जाम दे सकते हैं, ये कैटेगरी वो हो सकता है, केवल अवेयरनेस के रूप से हमारे साथ जोड़ने चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी हो गया सर, कहीं मिडिल वे में है, तैयारी एक दो अटम दे दिया है बट सफल नहीं मिल पा रहा है, आगे पढ़ने के लिए कोई परेशानी है उनका आर्थिक रूप से और किसी के रूप से, उनको हमें हैंड होल्डिंग कराना सर। तीसरे स्टेज में है, लगभग कहीं एक परीक्षा में सफल हो गया है, दूसरे परीक्षा के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी एक कैटेगरी है सर, उनका रिसोर्सेज के रूप से हम यूज कर सकते हैं और इनको मदद भी कर सकते हैं हम लोग सर। यहाँ वेयर वी हैव टू ओपन सर, इस पर शुरुआत में एक डेटाबेस बन जाए सर NAC के माध्यम से, इसके माध्यम से उसके बाद उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, बाकी लोकेशन के हिसाब से यदि सर संख्या कम है तो फिर एक ही जगह डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, यदि संख्या अधिक है तो फिर हम लोग डिसेंट्रलाइज करा करके तहसील वाइज भी करा सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग यूज कर सकते हैं सर।